आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज जो आपको वचन बताए जाएंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण वचन है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई घटी थी, कर्जा था, गरीबी थी, या बहुत कमाने के बाद भी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, दे नहीं पा रहे हो, बच नहीं पा रहे, सेव नहीं हो पा रहे, और फिर भी कहीं ना कहीं घटी नज़र आती है, और वो इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहे, और जिस चीज़ के लिए आप कमा रहे हो वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हो वो काम भी सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है, धन को लेकर आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी किसी न किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी को देखा है, रुकावट को देखा है, घटी को देखा है, कर्जे को देखा है, असफलता को देखा है, फेलियर को देखा है, तो उन सब बातों पर जय पाने के लिए आप इन 5 वचनों को ज़रूर बोलना अपनी प्रार्थना में। खुदावन ज़रूर काम करेगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े वचन है, बहुत सामर्थ्य वचन है। अगर हम पढ़ें योएल 2:21 में, क्योंकि हमें पता, देखो हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। प्रभु यदि धन को लेकर किसी भी बात से, अगर मेरे किसी व्यवहार से, काम से अगर तेरा दिल दुखा है, जिस भी गलती के कारण मेरी ज़िंदगी में घटी है, उन गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु मेरे ऊपर उन बातों को प्रकट कर जहाँ मैं गलत कर रहा था, जहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही थी, जिसके कारण मैंने घटी को देखा, जिसके कारण मैंने नुकसान को देखा। मैंने कमाया था बहुत, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सका, नुकसान में चला गया, खो गया, या कुछ चीज़ें खराब हो गई, या किसी न किसी प्रकार से वो दर्द पीड़ा दुख परेशानी बीमारी समस्याओं में कहीं ना कहीं वो चला गया। प्रभु मुझे बता कि मेरी जिंदगी में, मेरी आत्मिक जिंदगी में कहां पर कौन सा छेद है जिसके अंदर से प्रभु मेरी आशीष जा रही थी, निकल रही थी, या शैतान घात लगाकर बैठा था, या वो चोरी कर रहा था, या मेरे किस गलती के कारण शैतान को अवसर मिला। आपको ये बात प्रभु से जरूर बोलनी है, ताकि प्रभु आपको दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, या गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको बता सके कि हाँ ये गलती तो से हुई है और यहाँ पर तुझे करेक्ट करना है, ताकि आगे को तू बड़ी गलती ना करे। अभी इस गलती को सुधार ले तो बहुत भला रहेगा, ये ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर गलती को नहीं करेक्ट किया गया, भले ही परमेश्वर आज आशीष दे दे, लेकिन हो सकता है अगर वो गलती करेक्ट नहीं हुई तो आगे चलकर भी फिर से घटी का सामना, फिर से दुखों का, फिर से कहीं ना कहीं गरीबी का सामना, फिर से कहीं ना कहीं वो ही प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो सकती थी, जहाँ पर हमने करेक्शन नहीं किया, जहाँ पर हमें बदलाव करने की ज़रूरत थी, जहाँ हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत थी, जहाँ पर हमें आज्ञा पालन करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने नहीं किया। अगर हम करते हैं तो आगे चलकर हम चाहे कितना भी ब्लेस्ड हों, कितना भी आशीषित हों, हम कुछ भी ब्लेसिंग्स को खोने नहीं पाएंगे, शैतान घात नहीं कर पाएगा। क्योंकि लिखा है, जब यहोवा धन देता है वो उसकी आशीष ही से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो हम शुरुआत करते हैं योएल 2:21 में। देखो, ताली दो हाथ से बसे हमें अपने हिस्से का काम करना है, तब हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु देख, मैं बीज बोने की कोशिश करता हूँ, तेरे दिए में से तेरे को देने की कोशिश करता हूँ, या मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ, ये भी तेरी दया से करता हूँ, मैं अपने बलबुती ताकत से नहीं, लेकिन प्रभु तू मेरे करने पर, मेरे देने पर, मेरे बीज बोने पर तू आशीष दे, मेरे नुकसानों की भरपाई कर। प्रभु मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, या मैं तेरे राज्य में बोल रहा हूँ, मैं तुझे देता हूँ अपना दशमांश या भेंटे जो भी है ना, प्रभु को बोल कर देना है, प्रभु मैं आपको दे रहा हूँ, अपने से का काम आपको करना है, वो भी हर्ष से आनंद के साथ बोना है। तो वचन है योएल 2:21 में लिखा है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब यहोवा आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे यदि तू मेरी दृष्टि में ठीक काम करता है, चुप लगाकर सहता है, और अपने हिस्से का काम करते हुए नम्र और दीन रहता है, अगर तेरे से गलती हो भी गई थी, अगर तू पश्चाताप करता है, मन फिराता है, अपनी गलती को मान लेता और छोड़ भी देता है, अगर तू बदलना चाहता है तो मैं तुझसे कहता हूँ मत डर। मतलब प्रभु आपसे कह रहा है, अगर आप बदलना चाहते हो, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, हाँ प्रभु जो मेरी ज़िंदगी में घटी है मेरी गलती के कारण है, तो मेरी गलती को करेक्ट कर, और प्रभु मैं फिर से फलवंत होना चाहता हूँ, ब्लेस होना चाहता हूँ, तो प्रभु आपको उठाएगा, बचाएगा, बढ़ाएगा। तो इसलिए प्रभु आपसे कहता है, अगर तू बदलना चाहती है मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू बदलना चाहता है तो मैं तुझे ज़रूर उठाऊंगा। तो प्रभु आपसे कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर। प्रभु कह रहा है तू मगन हो, तू किसी चीज़ को देखकर मत डर, अपनी घटी को देखकर मत डर, तू मगन हो, आनंदित हो, मुझ में आनंदित हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आपको स्मरण करा रहा है, पुराने नियम को याद कर, पुराने टाइम को याद कर, प्रभु आपको बता रहा है यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। एलिया को रोटी खिलाई, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसने उनको फलवंत किया, ब्लेस किया, देश दिया, उत्तम से उत्तम देश दी, उत्तम से उत्तम आशीषें दी और उनको आशीष का वारिस बना दिया। जब परमेश्वर ने उनको खिलाया, इसराइली को खिलाया, बीत तपते रेगिस्तान
रेगिस्तान में उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया। तपती जगह पे जहाँ पर कोई भट्टी नहीं थी, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, कोई गेहूं, आटा, चीनी, चाय पत्ती कुछ नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको मन्ना बरसाया, बटेरे बरसाई, चिकन मांस खिलाया। खुदा आपने कैसे, प्रभु आपको याद दिला रहा है, मत डर क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपके पास है उसमें आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, बड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कहना मैं तो इतना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा होती है, प्रभु हमें जांचना चाहता है, कभी कई बार हमें टेस्ट करता है ताकि बड़े लेवल पर हमें लेके जाए, कई बार हमें चेक करता है। ये अगर मैं ऊपर स्वर्ग से अपनी टूटी बंद कर दूँ, उसकी ज़िंदगी में अगर ब्लेसिंग ना आए तो देखता हूँ ये कहीं जुड़ाएगा तो नहीं, कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, बड़बड़ाएगा तो नहीं, उंगली तो नहीं उठाने लगेगा, कहीं चर्च छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये गलत काम तो नहीं करने लगेगा। तो परमेश्वर कई बार चेक करता है, कई बार परीक्षाएं भी होती हैं, हमारी हुई है, मेरी हुई है, और परमेश्वर ने परीक्षा के बाद मुझे बहुत ऐसे आशीषित किया, ब्लेस किया है, ध्यान रखना। लेकिन परीक्षाओं के समय में किसी की ओर नहीं ताकना, ध्यान रखना, वो मरने नहीं देगा, वो जान से हाथ नहीं धोने देगा, परीक्षा के समय वो आपकी जान नहीं लेगा और सहने से बार परीक्षा नहीं लेगा, इस बात को कभी मत भूलना, उसको आपका ध्यान है। तो लिखा है यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं, उन कामों को स्मरण कर और धन्यवाद कर जो भी तेरी जिंदगी में है। योएल 2 वचन, योएल 2 अध्याय और 22 आयत में लिखा है, हे मैदान के पशुओं मत डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। मैदान के पशु कौन? हम यीशु मसीह की भेड़े हैं, हम उसके राज्य की भेड़े हैं, हम उसके पशु हैं, और वो आपसे और मुझसे कहता है मत डरो। किससे मत डरो? घटी को देखकर, उन लोगों को देखकर, महंगाई को देखकर, दिक्कतों को देखकर, अपने कनस्तर को देखकर, अपने बटुओं को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने घर परिवार फैमिली रेंट को देखकर, बिजली पानी बिल के देखकर मत डरो। प्रभु कह रहा मत डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। आपकी जिंदगी चाहे मेरी जिंदगी चाहे जंगल जैसी थी, आपको लग रहा है कि कोई फल नहीं आ रहा है, ऊंट कटा रहे हैं, सूखा है, कोई फल नहीं है, कोई आशीष नहीं है, अगर आपको लग रहा है जंगल जैसी, तो प्रभु कह रहा है क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अब परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, ब्लेस करेगा, और अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे, वो दिखाएंगी अपना बल कि हम कितना फलवंत होते हैं, अपनी बल के साथ वो फलेंगे क्योंकि प्रभु आशीष देगा आपको, आपकी घटियों में भरपूरी को प्रकट करेगा। आपको डरना नहीं है, आपको धन्यवाद ही रहना है जो आपके पास है, आपको धन्यवाद करना है उन कामों के लिए जिसमें परमेश्वर ने आपको भिखारी नहीं बनने दिया, दर दर के ठोकरे नहीं खाने दी, आपको परमेश्वर ने सड़क पर नहीं सोने दिया, इन बातों के लिए आपको धन्यवाद करना है, उसके बड़े बड़े कामों का धन्यवाद करना है, तब परमेश्वर देखेगा, देखिए घटी में भी मेरा धन्यवाद कर रहा है, तो वो धन्यवाद आपका जो प्रभु के लिए कर रहे हो वो प्रभु को बेचैन कर देगा और खुदावन उतर कर स्वयं आपको आशीष देगा, क्योंकि लिखा है मैं स्वयं आकर तुझे आशीष दूंगा। खुदा किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अपने दूतों के द्वारा ब्लेस कर सकता है, किसी के भी मन में डाल सकता है, और आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखा है तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु बहुत ही जाति को उधार देगा, उधार देगी, तरीका है इसका, ऐसे नहीं हो जाता है, परीक्षाएं होती हैं, स्थिर रहना होता है, कोई बात नहीं, अगर आप गिर गए तो फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, प्रभु की ओर ताको, मांगो, रोना है तो खुदा के आगे रो, मनुष्य के दरवाजे मत खटखटाओ, खुदा काम करेगा, उसको अपने बच्चों की चिंता है। जब आप हम लोग बुरे होने के बाद भी अपने लोगों की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जब पशु लोग अपने बच्चों के हित की चिंता करते हैं, तो सोचो हमारा स्वर्गीय पिता हम सबकी, हमारे मांगने वालों को वो सब कुछ क्यों ना देगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। लिखा है योएल 2 अध्याय और 23 आयत में, हे सियोनियो, मतलब प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, हे परमेश्वर स्वर्ग के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। प्रभु देखो 2 से 3 बार बोल गया इस बात को, मगन हो, मगन हो, मगन हो, और आनंद करो, शोकित मत रहो, उदास मत रहो, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, शैतान कहीं तुम्हें तुम्हारी उदासी को देखकर तुम्हें कहीं डीमोटिवेट ना करे, कहीं तुम्हें मेरे विरुद्ध में खड़ा ना करे कि देख तेरे परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, देख तेरी जिंदगी में घटी है, देख ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, यहाँ से इसका काम नहीं चल रहा, उसका काम नहीं चल रहा, यहाँ पेमेंट रुक गई, उसको देना है, इसको देना है। प्रभु कह रहा है इन सब चीज़ों को मत देखो, तुम इन परिस्थितियों में आनंद करो, स्तुति के गीत गाओ, धन्यवाद ही रहो, जो है उसमें धन्यवाद ही रहो, ध्यान रखना सर पे छत है धन्यवाद ही रहो, तन पे कपड़ा है धन्यवाद ही रहो। जब तुम छोटी छोटी बातों में धन्यवाद ही रहोगे तो खुद आपको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा, खुद चेक करता है कि सब कुछ मैं इनको दे रहा हूँ तब तो धन्यवाद कर रहे हैं, अगर 2 मिनट में अपने स्वर्ग की टूटी को मैं बंद कर लूँ, अगर इनकी बाल्टी ना भरे तो क्या ये मेरा धन्यवाद करेंगे या नहीं करेंगे, प्रभु चेक करता है। लेकिन ध्यान रखना वो आपका ध्यान, उसको आपका ध्यान है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, कौन सी आशीषों की वर्षा, आपके जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी थी, धन की, आशीषों की, बरकतों की, चंगाई की, छुटकारे की, शांति, शालोम, प्रेम, प्यार, आशीषों, बरकतों की, किसी प्रकार की बरकत, ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, तो खुदावन कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा
जिसकी तुम्हें जरूरत है, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जो आशीष तुम्हें परमेश्वर ने पहले दी थी उससे भी बढ़कर, वरन जो आशीष प्रभु तुम्हें देने जा रहा है उससे भी बढ़कर परमेश्वर बहुतायत से इकट्ठा बरसाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन कब? जब हम पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हर बात में धन्यवादी रहते हैं, ताली दो हाथ से बजते हैं, हमें अपने हिस्से का काम करना है और परमेश्वर हमें बोलने का मौका नहीं देगा। उस समय पर मैं बरसाने वाला परमेश्वर है, उसको पता है कि कब किसको किस तरीके से कैसे देना है, कब मेरे बच्चे को कब किस तरीके से क्या ज़रूरत पड़ती है, उस समय पर मैं बरसाता है, ध्यान रखना। लेकिन वो आखिरी घड़ी तक भी चेक करता है, बस हमें खरा निकलना है। अगर गिर गए तो पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर दोबारा उठना है। लिखा है योएल 2:24 में, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंडों से नया दाक मधु और ताजे तेल उमड़ेंगे। आपके जो खत्ते हैं, बटुए हैं, अकाउंट हैं, आपके कनस्तर हैं, वो अन्न से भर जाएंगे, ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। इतना होगा तुम भोतेरी जातियों को उधार दोगे, लोग आपके पास आएंगे मदद के लिए और आप उनकी मदद करोगे कि हाँ यार, इस घटी में, इस कंगाल के टाइम में भी इसके पास भरपूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर उस बुढ़िया को याद करें जो एलिया के समय में थी, मेरे भाई और बहनों, एलिया के समय जो वो विधवा औरत थी, उसने अपनी घटी में से प्रभु के राज्य में बोया, जो था उसमें वो धन्यवादी रही। और इसी रीज़न से उस घटी के टाइम, उस अकाल के टाइम पर मेरे परमेश्वर ने, आपके और हमारे परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया कि वो बहुतों को देने वाली बनी, छितराने वाली बनी और बहुत वर्ष तक वो खाती भी रही। कैसे? जो आपके पास उसमें धन्यवादी रहना है, प्रभु को धन्यवाद करना। आप जुबान तो है ना, आँखें तो है ना, सांस तो है ना, धन्यवाद प्रभु कि मैं वेंटिलेटर पर नहीं, जो है उसमें धन्यवाद दे रहा हूं। देखना प्रभु आपको ब्लेस करेगा, रास्ते खोलेगा। एक बार करके देखो, मेरी जिंदगी में मैंने अनुभव लिया, इसलिए मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडे नए दाक मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे। आपके नौकरी, बिजनेस, काम धंधों में परमेश्वर नई ब्लेसिंग्स को, नए ताजे तेल को, नई अर्निंग, सेविंग्स को उडेलेगा, बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, छितराने वाली आशीषों को देगा, नए प्रॉस्पेरिटी देगा, नए लेवल पर लेकर जाएगा। बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके लिए नए ऑफर्स आएंगे, नई अर्निंग, सेविंग, टाइथ और ऑफरिंग्स में सब कुछ तरीके नए तरीके से नया काम होगा। अगर आप पहले लेवल पे काम कर रहे थे तो दूसरे लेवल पे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाओगे, प्रॉस्पर होते जाओगे। बिजनेस में, अर्निंग में, सेविंग्स में, कामों में, नौकरी, बिजनेस में, किसी प्रकार के काम में आप आशीषित होगे, ताजे तेल से उमड़ेंगे। अब जो मेन वचन जो आपको देने हैं, 5 वचन, इन वचनों को पकड़ना ध्यान से। योएल 2:25, योएल 2:25 में, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और येलेक नामक टिड्डी और हासिल और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे उस बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर के दूंगा। प्रभु यहां पर ये क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, जब तुमने अनाज्ञाकारिता करी, जब तुमने मेरी बात को नहीं माना, मेरे राज्य में बीज नहीं बोए, जो तुम्हारे पास था उसमें तुम धन्यवादी नहीं रहे और तुम कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, या तुमने मुझ पर उंगलियां उठाई, तुमने बैर भाव किया, तुमने दूसरे रास्ते अपनाए, तुमने गलत काम किए, जिसके कारण शैतान को तुम्हारी ज़िंदगी में मौका मिला और फिर मैंने शैतान को आज्ञा दी, क्योंकि लिखा है शैतान मेरी आज्ञा के बिना नहीं आता। और लिखा है जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, हासिल नामक टिड्डी, गाजाम नामक टिड्डी और मेरे उस बड़े दल ने जिसे मैंने तुम्हारे बीच में, तुम्हारे खेत में, तुम्हारे धन में, तुम्हारी लाइफ के हिस्से में भेजा था, तुम्हारी ब्लेसिंग को जिन टिड्डियों ने खाया था, अब मैं उसकी हानि, उसकी उस नुकसान की हानि, उस नुकसान की भरपाई मैं तुम्हें भर के दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है, तुमने माफ़ी मांगी है, तुमने अपनी गलती को करेक्ट किया है, तुम बदलना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बदलूंगा, इसलिए मैं तुम्हें उठाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम पर दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें छितराने वाले हाथ दूंगा, तुम्हारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। मैं जानता हूं तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम बदलना चाहते हो, तुम अपने हिस्से का काम करोगे तो मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, मैं तुम्हारे नुकसानों की भरपाई करके दूंगा, चाहे वो कोर्ट केस में गया, चाहे नुकसानों में गया, चाहे कोई पेमेंट फंसी, चाहे काम धंधे में रुकावट आ गई, चाहे काम नहीं मिला, या कुछ भी ऐसा हुआ, या कोई वस्तु खराब हो गई, उसमें पैसा चला गया, कोर्ट केस में, कचहरी में, लड़ाई दंगे में, थाने, पुलिस थाने में, या कुछ चीज़ खराब आ गई, कुछ नुकसान, किसी भी प्रकार से, चाहे पैसे खो गए, उन सब चीज़ों की मैं तुम्हें भरपाई करके दूंगा। जो तुम्हारे नुकसान हुए वो तो बहाने थे क्योंकि अनाज्ञाकारिता हुई, लेकिन अब नुकसानों की मैं भरपाई करके दूंगा। इस वचन को आप अपनी प्रार्थना में जरूर बोलना, प्रभु अब तक जो मैंने नुकसान देखे नुकसानों की भरपाई कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है योएल 2:25 में, योएल 2:25 में, प्रभु तू मेरे नुकसानों की भरपाई करके देगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं अपनी गलती को मानता हूँ, हाँ मेरी गलती के कारण मैंने नुकसान को, घटी को, कर्जे को, गरीबी को देखा और मेरी कंडीशन ऐसी हुई, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ, तू मेरे नुकसान की भरपाई करके दे। तेरे वचन में लिखा है हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे करेक्ट कर, मुझ पर क्षमा कर, मुझ पर दया कर, है ना। एक ये वचन है, सबसे पहला वचन ये है जिसमें आपको अपनी प्रार्थना में बोलना है,
दूसरा वचन योएल दूसरा अध्याय 26 आयत और 27 आयत। और हाँ, पहले हम ये पढ़ेंगे 26 आयत। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु देखो आपने कहा है, ये वचन आपको प्रार्थना में बोलना है प्रभु से, प्रभु देखो आपने कहा है कि तुम पेट भर खाओगे और तृप्त रहोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के कर्म किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। अगर आपको लग रहा है धन में, गरीबी में, घटी में आपके हाथ खाली हैं, अकाउंट खाली हैं, आप ना तो बीज बो पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना कुछ ला पा रहे हो, ना किराया भर पा रहे हो, ना बिल दे पा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसकी जो आपको करना चाहिए था, जिसकी आपको जरूरत है, वो सब चीज नहीं है, आपकी आशा टूट रही थी, प्रभु आपसे कह रहा है तब तुम जानोगे। कब? जब तुम अपने हिस्से का काम करोगे, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, मैं तुम्हारी नुकसान की भरपाई करके दूंगा, तब तुम जानोगे मैं इसराइल के बीच में हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं, और मेरी प्रजा जो तू है तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। आप प्रभु से बोलो, प्रभु तूने कहा है मेरी आशा कभी ना टूटेगी। ये वचन आपको बोलने हैं 26 और 27। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की तुम स्तुति करोगे और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के कर्म किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रभु ये 2 बार कह रहा है, ये 4 वचन हो गए और एक आखिरी 5वां वचन, इस वचन को जरूर अपनी प्रार्थना में बोलना। अगर इसका मलाकी 3 अध्याय और 10वीं आयत और 11वीं आयत हम पढ़ते हैं, तो 10वीं आयत में दशमांश के बारे में लिखा है, अगर हम दशमांश देंगे तो ही हमें मलाकी 3:11 हमारी जिंदगी में पूरी होगी, क्योंकि ध्यान रखना ताली 2 हाथ से बजती है। मलाकी 3:10 में लिखा है, अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु कहते हैं मुझे चेक करो, तुम दशमांश दो, वो भी ईमानदारी से, ईमानदारी के धन में से, ईमानदारी से मेरे भवन में दशमांश दो, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि मेरे भवन से नाथ और विधवाओं की स्तुति ली जाए, ताकि मेरे भवन में कोई उजाड़पन ना रहे, ताकि मेरे भवन की जरूरतें भी पूरी हों, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम्हें अपना घर भरने की लगी है, और मेरे भवन के लिए लकड़ियाँ ले आओ। मतलब ये भी बहुत गहरे प्रकाशन है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताए जा रहे हैं, हमारे हिस्से का जो काम है, हमारे दान 10वें हिस्सों से, हमारी भेंटों से परमेश्वर के भवन की जरूरतें पूरी होती है। भवन में जो नाथ और विधवाई लोग आते हैं उनकी जरूरतें पूरी होती है। अगर हम खुदा के राज्य में बोते हैं ना, तो इसका मतलब लिखा है कि मेरे भवन में जब तुमने बोया है, क्योंकि अगर हम पढ़ते मलाकी 3:10 में, मेरे भवन में, मेरे भंडार में जब तुम अपने दशमांश लेकर आए हो, तो तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा और तुम्हारी आशीष, तुम्हारी बरकत, तुम्हारी फलवंत ब्लेसिंग्स को कभी शैतान छूने नहीं पाया। क्योंकि मलाकी 3:11 में साफ हमें बताता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, जो भी तुम्हारे तन मन धन को, आशीषों को, बरकतों को, नौकरी, बिजनेस, आपके टाइथ और ऑफरिंग्स, आपकी खेती को, अगर कोई शैतान, दुष्ट आत्मा, अगर कोई बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, कोई अशुद्ध आत्मा या कोई भी अशुद्ध आत्मा है, अगर आपका नुकसान करती है, तो प्रभु कहता है उसको मैं घुड़कूंगा, मैं उसको नष्ट करूंगा। ये वचन में लिखा है मलाकी 3:11 में कि प्रभु साफ कहता है, इस वचन को आप प्रभु से बोल सकते हो कि मैं, मलाकी 3:11 में प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। प्रभु तू हमारे शत्रुओं को, जो गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, कोई मनुष्य नहीं, प्रभु जो कर्जे की गंदी दुष्ट आत्माएं, गरीबी की, घटी की गंदी दुष्ट आत्माएं, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं, प्रभु उनको तू घुड़क, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तू कहता है कि तू घुड़केगा, उन गंदी दुष्ट आत्माओं से हमें आजाद करेगा। क्यों? क्योंकि वे हमारी भूमि की उपज को नाश ना करें। और लिखा है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वो अधूरा रहकर खत्म नहीं होगा, वो फलवंत होगा, वो ब्लेस होगा, वो फ्रूटफुल होगा, हमारे बिजनेस प्रॉस्पर होंगे, अधूरा चल चुलाकर खत्म नहीं होगा, वरन पूरा चलेगा, वरन उसकी ब्रांचेज होंगी, फलवंत होंगे, क्योंकि लिखा तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो थोड़े में ही खत्म नहीं हो जाएगा, वो पूरा 100 तक जाएगा, वरन अबव जाएगा, और बढ़कर जाएगा। कोई नौकरी, कोई हमने काम शुरू किया है, वो आधे अधूरे में ही बंद नहीं होगा, वो फलवंत होगा, हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, वरन पूरे फ्रूटफुल होंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप इस वचन को प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु देख मैंने काम धंधे, अर्निंग, सेविंग, टाइथ और ऑफरिंग्स, मेरे नौकरी, बिजनेस में कोई भी अशुद्ध आत्मा जो मेरे धन को खराब करती है, नुकसान पहुंचाती है, प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को तू घुड़क, जिसके कारण मेरी भूमि की उपज नाश ना हो और मेरी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरने पाए और मैं फलवंत हूं, मैं ब्लेस हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, ये तरीका है, ये वचन है, ताकि आप फलवंत हो। इन वचनों को आप बोल सकते हो। हमें अपने हिस्से का काम करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई परमेश्वर के भवन में क्यों दे, नाथ और विधवाओं को देते हैं। परमेश्वर ने नाथ और विधवाओं को देने के लिए मना नहीं करा है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को। प्रभु ने तो स्वयं आज्ञा दी है,
अनाथ और विधवाओं की शुद्धि लो, उनके लिए अपनी मुट्ठियों को खोलो, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करो, प्रेम कर्मों के द्वारा भी प्रकट करो। लेकिन जो परमेश्वर का है, प्रभु ने जो आज्ञाएं दी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु के राज्य में बीज बोएं, दशमांश अपनी भेंटें, परमेश्वर के भवन में अपनी मन्नतों को पूरा करें। ध्यान रखना, प्रभु कभी नहीं बदलता है, ठीक है, पहला। और दूसरी बात यह है, अगर आप किसी अनाथ और विधवा गरीब की शुद्धि लेते हो, किसी के लिए बीज बो रहे हो, तो उसको वचन ज़रूर बताएं। प्रभु ने मना नहीं करा है किसी की मदद करने के लिए, मदद ज़रूर करो, क्योंकि लिखा है जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है, जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती होती है। मतलब जो यथार्थ, जो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं और कंजूसी दिखाते हैं तो उनकी घटती होती है, या फिर बिल्कुल नहीं देते तो उनकी घटती होती है, समझना। लेकिन प्रभु कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को, ठीक है। हम इन दोनों को मिक्स ना करें और शैतान को अवसर ना दें। अगर आप बोओगे तो आप अच्छी आशीषों को काटोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है, वो आपको बताया है। ये सब वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।